नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यथार्थ क्लासेस पे। और मैं डॉक्टर संजय कुमार आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो कल हमने पढ़ा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पहला पार्ट। उसमें हमने देखा जो कुछ जो है इकोलॉजी से टर्म का मतलब क्या है, और जो कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। इकोसिस्टम के बारे में, ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा, बायोम के बारे में देखा, पॉपुलेशन के बारे में देखा। तो आज हम लोग जो है उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे जो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। क्लाइमेटिक जोन्स क्या हैं, ये जो है क्यों हो रहे हैं, क्यों बनते हैं क्लाइमेटिक जोन्स। तो रोटेशन ऑफ सन एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस काज एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर रिजल्टिंग डिस्टिंक्ट सीजन। अलग अलग जो सीजन बन रहे हैं वो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ और इसका जो टिल्ट एंगल पे होना। एक जो है हम लोग जानते हैं 23.5 डिग्री जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ इसका टिल्ट है, एंगल टिल्ट है। ये थोड़ा सा तिरछा जो है घुमा हुआ है, हमारी पृथ्वी एक तरफ झुकी हुई है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये झुकाव के कारण और जो सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी, इस चक्कर के कारण जो है अलग अलग सीजन्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं जो हमारी पृथ्वी है उसके बीचों बीच से जो लाइन खींची जाती है, ये लाइन जो आपकी खींची जा रही है ये लाइन कहलाती है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे जो सूरज की रोशनी होती है, जो सूरज की किरणें होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर पड़ती रहती हैं। तो यहाँ पे जो इस रीजन में जो गर्मी है वो हमेशा अधिक होती है, क्योंकि सूरज की किरणें हमेशा लंबवत होती हैं, इसलिए यहाँ पे गर्मी अधिक पाई जाती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अलग अलग सीजन क्यों आते हैं, क्योंकि हमारी धरती जो है वो 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है एक तरफ, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे रोटेशन करते समय अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय में अलग अलग जो है सीजन आते हैं। ये जो पृथ्वी है हमारी ये सूर्य के चारों ओर एक सर्कुलर, जो यहाँ पे लगभग आपको सर्किल दिख रहा होगा, ये सर्कुलर वे में यहाँ पे चक्कर लगाती है। चक्कर ये सर्कुलर वे में ना लगा करके ये एक इक्लिप्स शेप में, जिसे एक बड़ा इक्लिप्स शेप में जो है ये जो रोटेशन है रोटेशन इक्लिप्स शेप में करती है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका सन है वो एक फोकस पे होगा, एक जगह फोकस पे होगा। तो हमारी धरती जो है वो क्या होगा कि एक बार सूरज के बहुत ही नजदीक होगी और एक समय ऐसा आएगा कि हमारी धरती सूरज से बहुत दूर होगी। जब सूरज से बहुत नजदीक होगी तो उस समय जो है वो गर्मी होगा, गर्मी का समय होगा, और जब सूरज से बहुत दूर होगी तो उस समय जो है क्या होगा, ठंडी होगा, ठंडी का सीजन होगा। ये बात हमको याद रखना है। अब यहाँ पे दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि सूरज जो है हमेशा जो 0 डिग्री है यानी इक्वेटोरियल लाइन है, यहाँ पे हमेशा क्या होता है कि सूरज लंबवत चमकता है, हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, हमेशा सीधी किरणें यहाँ पे पड़ती हैं। तो इसके कारण यहाँ पे इस एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो टेरिस्ट्रियल रीजन है, जो स्थलीय भाग है, इन जगहों पे थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा होगा। तो लेकिन उसके अलावा जो है यहाँ पे अगर जो हम देखें ओशियन का रीजन, तो ओशियन का रीजन यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ओशियन का रीजन ज़्यादा होने की वजह से हीट होता है, यहाँ का पानी जो है वो हीट होता है और इवोपोरेट होकर के ये ऊपर जाता है, वहाँ से ठंडा होकर के यहाँ पे बारिश होती है। तो यहाँ पे बारिश का जो समय है, यहाँ पे पर डे बारिश होती है और 4 बजे से 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में यहाँ पे बारिश हमेशा होती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रोज पानी यहाँ से ऊपर की तरफ उठ रहा है, रोज ठंडा हो रहा है और रोज बारिश हो रही है। तो इन जगहों पे बारिश जो होती है, जो रेनफॉल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, पर डे बारिश होती है। तो इसलिए अब ये एक अलग रीजन बना दिया गया, चूंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है और क्या हो रही है, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज ये है कि जब हम देखते हैं कि 20 डिग्री नॉर्थ में,
20 डिग्री नॉर्थ की बात अगर जो हम करें तो 20 डिग्री नॉर्थ में यहाँ पे अगर हम देखें एक लाइन खींचे 20 डिग्री नॉर्थ में और एक 20 डिग्री जो है आपका पड़ेगा साउथ में, ये हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है और ये जो है हमारा साउथ पोल है हमारे पृथ्वी का। तो 20 डिग्री नॉर्थ पोल में एक लाइन खींचे और 20 डिग्री आपके साउथ पोल में अगर जो हम लाइन खींचे तो लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रीजन है, इस रीजन में गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत आ रही हैं तो इसलिए यहाँ पे गर्मी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस वाले रीजन को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। इस रीजन को क्या कहेंगे यहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन हम यहाँ पे इसको कहेंगे। तो अब इसके ऊपर अगर जो हम जाएंगे, इसके ऊपर जाएं तो यहाँ पे देखते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन के बाद में हम देखें 20 डिग्री अगर हम और नॉर्थ में जाते हैं और 20 डिग्री जो है वो साउथ में अगर हम जाएं तो हमको एक अलग रीजन मिलता है। यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं ये पूरी तरह से लंबवत नहीं पड़ रही हैं, थोड़ी तिरछी पड़ रही हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे गर्मी होती है। लेकिन इस रीजन में क्या होगा कि जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी ही ठंडी भी पड़ेगी, ठंडी भी यहाँ पे ज्यादा होता है, गर्मी भी यहाँ पे ज्यादा होता है। तो ये वाले रीजन जो है वो कहलाते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। कौन से रीजन कहलाएंगे, ये सब ट्रॉपिकल रीजन। अब उसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो है वो भी ये जो है आपका 20 डिग्री और नॉर्थ चले जाएं, 20 डिग्री और नॉर्थ और 20 डिग्री और साउथ में चले जाएंगे तो यहाँ का जो रीजन होगा वो रीजन जो है यहाँ पे आपकी सूर्य की किरणें बहुत कम होंगी, तिरछी पड़ेंगी, जिसके कारण यहाँ पे जो विंटर होगा वो ज़्यादा समय के लिए होगा और जो समर होगा वो बड़ा प्लीजेंट समर होता है, बहुत कम टेम्परेचर वाला समर होता है। और उसके अलावा अगर इस रीजन को हम क्या कहेंगे, इस रीजन को हम टेम्परेट रीजन कहते हैं। कौन सा रीजन कहते हैं, टेम्परेट रीजन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो है टेम्परेचर एक्चुअल में थोड़ा कम रहता है, कंपेरेटिवली अगर सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल रीजन की अपेक्षा हम देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है और रेनफॉल भी कंपेरेटिवली क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। उसके बाद अगर जो हम 20 डिग्री जाते हैं, 20 डिग्री अगर जो हम टेम्परेचर यहाँ पे एंगल बनाएं तो 20 डिग्री देखें तो 20 डिग्री में ये हमारा पड़ता है आपका आर्कटिक रीजन। यहाँ पे जो उसके नीचे के जितने भाग हैं ये आपका पड़ेगा ये आर्कटिक रीजन, ये हमारा आर्कटिक रीजन है, अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन ये कहलाते हैं। तो चूंकि बारिश और टेम्परेचर, जो हमारा रेनफॉल है और टेम्परेचर, ये दोनों का मिक्सर ही वो कहाँ पे कैसा वेजिटेशन होना चाहिए ये निर्धारित करता है। तो इसी के कारण क्या होता है कि पूरे विश्व में, पूरे अर्थ पे जो है अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स पाए जा रहे हैं, यानी वहाँ का टम्प उसको निर्धारित कर कौन कर रहा है, वहाँ पे जो रेनफॉल हो रहा है और वहाँ का जो टेम्परेचर है वही निर्धारित कर रहा है कि कहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन पाया जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो सूर्य है उसके सूर्य के चारों तरफ जो हमारी पृथ्वी है वो एक दीर्घवृत्ताकार में यानी इक्लिप्स में जो है वो जो मूवमेंट कर रहा है, जो रोटेट कर रहा है, उसके कारण अलग अलग सीजन आ रहे हैं। और चूंकि सूर्य की किरणें जो हैं वो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से पड़ रही हैं इसलिए वहाँ का टेम्परेचर भी वैरी करेगा। तो इसके जो है कारण जो है हमारे अलग अलग बायोम्स का फॉर्मेशन होता है, अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में अलग अलग बायोम का फॉर्मेशन होता है, जैसे डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है और टुंड्रा रीजन है। तो अब ये क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो दो तरीके से हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। पहला जो है वो है आपका लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी कि जो अभी हमने आपको क्लाइमेटिक जोन्स दिखाए थे, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स, ये आपका लेटिट्यूड है। लेटिट्यूड के हिसाब से भी हमारे जो क्लाइमेटिक जोन है वो कितने हैं, आपके चार हैं, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है और आर्कटिक अंटार्कटिक जोन है। उसी तरह से एल्टीट्यूड भी जो है वो निर्धारित करता है कि क्या जो है ये मतलब यहाँ पे आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन जो है वहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन पाया जाएगा। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड यानी
एल्टीट्यूड का मतलब सीधा मतलब यहाँ पे होता है ऊंचाई से, ऊंचाई जो है वो कितनी है और उस ऊंचाई के कारण जो है वो क्या चेंजेज आ रहे हैं, उसके कारण जो है अलग अलग ट्रॉपिकल जोन बनते हैं। यहाँ भी आपका ट्रॉपिकल जोन है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है और एल्पाइन जोन है, यहाँ भी वही चीज पाई जाएंगी। तो अगर जो हम देखें तो लेटिट्यूड बढ़ने के कारण, लेटिट्यूड के बढ़ने के कारण और एल्टीट्यूड के बढ़ने के कारण क्या क्या जो है वो चेंजेज आते हैं। अगर हम देखें तो 6.5 टेम्परेचर, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन 100 मीटर इन एल्टीट्यूड। यानी अगर जो 1000 मीटर ऊपर हम जाते हैं, 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, 1000 मीटर अगर हम ऊपर जाते हैं तो 6.5 सेंटी डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा यहाँ पे 6.5। और लेटिट्यूड की बात करें तो लेटिट्यूड जो है 11.7 लेटिट्यूड, अगर 11.7 डिग्री जो है लेटिट्यूड हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ये टेम्परेचर 6.5 का आपको अंतर मिलेगा। तो ये हैं अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंट बायोम हैं इंडिया में वो कौन कौन से बायोम से यहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो मेजर जो बायोम हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो बायोम है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो एनुअल मीन टेम्परेचर है, ध्यान दीजिएगा, एनुअल मीन टेम्परेचर जो है वो आपका 23 to 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पाया जाएगा। जबकि वहाँ पे एनुअल मीन रेनफॉल जो है वो 2000 से लेकर के 3500 यानी 2000 to 3500 मिलीमीटर पर एनम यहाँ पे बारिश होती है। ये बारिश बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं टेम्परेचर भी ज़्यादा है और बारिश भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो इस जगह पे जो है हमको अलग अलग तरह के जो है प्लांट वेजिटेशंस मिलेंगे और यहाँ के प्लांट जो होंगे वो बहुत ही लंबे लंबे होंगे, लगभग 30 से 40 मीटर जो है, 30 to 40 मीटर लंबे प्लांट यहाँ पे पाए जाएंगे। इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं यहाँ पे, ये प्लांट बहुत ऊंचे ऊंचे होंगे। अब इसमें जो होगा उसके बाद अगर जो हम देखें तो उसके बाद आता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब है कि ऐसे फॉरेस्ट जिनकी पत्तियां गिरती हैं, एक बार जो है यहाँ पे इनकी पत्तियां गिरती हैं तो ये पत्तियां गिरती हैं तो इनका जो एनुअल मीन टेम्परेचर है वो कितना है, आपको 22 से 32 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर है, जबकि एनुअल रेनफॉल जो है वो 900 से लेकर के 1600 मिलीमीटर पर ईयर है यहाँ पे, ये डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस प्लांट। यहाँ पे आपको कौन कौन से प्लांट पाए जाएंगे, साल है, टीक है, उसके बाद खैर है, चिरौंजी है। यहाँ पे समर में लीफ फॉल होता है। कब लीफ फॉल होगा, यहाँ पे समर में लीफ फॉल होगा और समर में लीफ फॉल होने की वजह से क्या होगा कि पूरे के पूरे जो प्लांट्स हैं वो सभी के सभी प्लांट के जो है लीफ जो है वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आपको पूरा एकदम खाली दिखाई देगा, कोई ग्रीनरी इस समय नहीं दिखाई देगी। जबकि टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट में जो है यहाँ भी पत्तियां गिरती हैं, यहाँ पे एनुअल जो मीन टेम्परेचर है वो 6 से 20 है और रेनफॉल जो है वो हमारा 1000 से लेके 2500 मिलीमीटर है। यहाँ भी पत्तियां गिरती हैं लेकिन सारी पत्तियां एक साथ नहीं गिरती हैं, जिसके कारण इसकी ग्रीनरी जो है वो हमेशा बनी रहती है। यहाँ पे जो है कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाएंगी, ओक की स्पीसीज पाई जाएंगी। ओक जो है इसका मेन प्लांट जो है वो ओक है, ओक यहाँ पे मेन प्लांट पाया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हमारा है टेम्परेट कॉनिफेरस प्लांट। टेम्परेट कॉनिफेरस प्लांट में जो है वो आपको मिलेंगे, इनको हम कहते हैं टेम्परेट निडिल लीफ प्लांट भी कहते हैं। इनको क्या कहेंगे, निडिल लीफ प्लांट भी कहेंगे, याद रखिएगा इसको, ये कभी कभी पूछा जाता है। इन्हें हम टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी कहते हैं और यहाँ पे निडिल लीफ फॉरेस्ट भी इनको कहा जाता है। साथ ही साथ आपको दूसरा इनका एक नाम है एल्पाइन,
अल्पाइन भी इनको कहा जाता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर आपका आएगा वो आएगा जो है वो 6 to 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम टेम्परेचर है, ये टेम्परेट रीजन में पाए जा रहे हैं। और एनुअल मीन जो यहाँ का रेनफॉल है वो 1700 से लेकर के 3000 मिलीमीटर तक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सॉरी रेनफॉल जो है वो आपको ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन चूंकि ये क्या होते हैं कि पर्वतीय रीजन में होते हैं, माउंटेन रीजन हिली एरिया में होते हैं, तो हिली एरिया में होने के कारण पानी यहाँ पे रुकता नहीं है, पानी तुरंत निकल जाता है। कॉनिफेरस प्लांट होने का जो एक सबसे बड़ा और जो है यहाँ पे एडवांटेज ये है कि इनके प्लांट्स जो हैं वो कोन शेप के होते हैं, यानी कि अगर जो हम कहें कि शंक्वाकार होते हैं। और शंक्वाकार क्यों होते हैं? शंक्वाकार इसलिए होते हैं कि अगर यहाँ पे जो बर्फबारी हो रही है, जो बर्फ गिरते हैं, जो आइस स्नोफॉल होता है, वो स्नोफॉल जो है उसके ऊपर उनके प्लांट्स के ऊपर रुकता नहीं है, रुक जाएगा तो प्लांट जो है टूट जाएगा, उनकी डालियां टूट जाएंगी, पत्तियां टूट जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये कोन शेप होता है और जो पूरा बर्फ है वो पूरा सरक करके नीचे गिर जाता है। निडिल शेप होने का, यहाँ की जो पत्तियां होती हैं निडिल शेप ज्यादातर क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं कि चूंकि यहाँ पे पानी की मात्रा जो है वो कम होती है, पानी की मात्रा कम होने की वजह से क्या होता है कि ये जो है पानी को कम से कम इवोपोरेट कर सके, इसीलिए इनकी पत्तियां जो हैं वो निडल शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो एक जीरोफिटिक कंडीशन का जो है यहाँ पे आपका एडवांटेज देता है, एक एडाप्टेशन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेजर्ट है। यहाँ पे डेजर्ट जो है वैरी कर रहा है, यहाँ का टेम्परेचर वैरी कर रहा है। डेजर्ट दो तरह से हो सकते हैं, या तो बहुत ही कोल्ड होगा या तो यहाँ पे बहुत ही हॉट होगा। कोल्ड में जो है जैसे कि आर्कटिक और एंटार्कटिक रीजन वाले जो भाग हैं वहाँ पे कोल्ड में क्या होगा कि बहुत ही कम टेम्परेचर होगा, माइनस में आपका टेम्परेचर जाएगा, माइनस में टेम्परेचर होगा। जबकि हॉट वाले रीजन में क्या होगा, अबव देन 50 डिग्री भी जा सकता है, 50 डिग्री तक जा सकता है यहाँ का टेम्परेचर। तो ऐसे समय में क्या होगा कि यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होगा। दूसरी चीज होती है एनुअल रेनफॉल। रेनफॉल जो है वो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 मिलीमीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, ये साल भर का यहाँ पे, यानी कि पानी जो है भी बहुत कम बारिश हो रही है और टेम्परेचर या तो बहुत कम है या तो बहुत ज्यादा है। ये बातों का यहाँ पे ध्यान रखें। तो यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होंगे, छोटे छोटे पौधे होंगे, घास जैसे थोड़ी बहुत घास होंगे, और श्रब्स पाए जाएंगे, ट्री बहुत कम पाए जाएंगे, इक्का दुक्का यहाँ पे ट्री पाए जाएंगे। और यहाँ के जो प्लांट्स होंगे वो जेरोफिटिक कंडीशन में अडाप्ट होंगे, सारे जेरोफिटिक कंडीशन के जितने भी अडाप्टेशन होंगे वो सारे प्लांट्स के अंदर यहाँ पे पाए जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोस्टल बायोम। तो अगर जो हम देखें अपने इंडिया में, तो इंडिया का जो मेजर पार्ट है, यानी जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, उस प्रायद्वीपीय भारत के भाग के बारे में अगर जो देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो भाग है वो हमारा, वो इंडिया का जो है वो प्रायद्वीपीय भारत है, यानी गुजरात से लेकर के यहाँ पे उड़ीसा तक के नीचे वाला सारा ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। और ये सारे जो रीजन है जो समुद्र के किनारे, यहाँ भी आपका ओशियन पाया जाएगा, यहाँ भी आपका ओशियन पाया जाएगा, ये तीन तरफ से जो है ओशियन से घिरा हुआ है। तो यहाँ का जो रीजन है, ये किनारे किनारे का जो रीजन है वही रीजन कोस्टल रीजन कहलाता है। अब ये आप देखिए यहाँ पे उड़ीसा बंगाल ये पूरा रीजन जो है वो समुद्र के किनारे ही बसा हुआ है, चाहे अब हमारा यहाँ पे केरल ले लें, यहाँ गुजरात ले लें, महाराष्ट्र ले लें, ये सब जो है वो क्या है समुद्र के किनारे ही बसे हुए हैं। यहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन पाया जाएगा, चूंकि यहाँ का जो यहाँ मार्सी एरिया पाए जाते हैं, दलदली भूमि पाए जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ के जो मिट्टी है उसमें जो है नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, मार्सी होंगे साल्टी भी होंगे। तो यहाँ पे ऐसे प्लांट पाए जाने चाहिए क्योंकि जो कि उस इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। तो इसमें पाए जाते हैं सबसे अच्छे प्लांट जो हैं वो मैंग्रोव प्लांट है। कौन से प्लांट है यहाँ पे, मैंग्रोव प्लांट पाए जाएंगे।
तो मैंग्रोव जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो मैंग्रोव आपका ये जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, ये सुंदरवन का डेल्टा है, यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा, यहीं पे हमारी गंगा नदी आकर के गिरती है, और ये सुंदरवन का जो डेल्टा है ये सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। अब यहीं पे पाए जाते हैं मैंग्रोव प्लांट। कौन से प्लांट पाए जाएंगे? मैंग्रोव प्लांट पाए जाएंगे। मैंग्रोव प्लांट वे प्लांट हैं जो मार्सी दलदली एरिया में पाए जाते हैं, और उनके रूट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या होता है कि नीचे चूंकि ऑक्सीजन की कमी होती है साल्ट अधिक होने के कारण, तो इनके रूट्स जो है अपोजिट टू जियोट्रॉपिक निकल करके जो है ऊपर आ जाते हैं, यानी कि निगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, तो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उन होल्स की वजह से प्लांट जो है, प्लांट के रूट्स जो हैं वो रिस्पायरेशन करते हैं, तो उन्हें हम जो है कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। यहाँ पे जो मैंग्रोव प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे राइजोफोरा सबसे इम्पोर्टेंट है, एविसिनिया यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और इन प्लांट्स को जो है हम एरोफोर्स या न्यूमेटोफोर्स भी फोर्स कहते हैं। ये निगेटिव जियोट्रॉपिक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या इसको बोलेंगे हम, न्यूमेटो फोर्स। जो रूट्स निकल कर बाहर आए हुए हैं उनको, उन मैंग्रोव प्लांट्स के जो रूट्स बाहर निकल के आए हैं उन्हें हम कहेंगे न्यूमेटो फोर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आपका प्लांट स्पीसीज है वो है राइजोफोरा। एक इंपॉर्टेंट और चीज है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एडाप्टेशन में। ये हमारे एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के माध्यम से हम अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे जो है देख सकते हैं। जैसे अगर जो हम बात करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो आपका, हम ये वाली लाइन जो है, ये लाइन जो है आपकी दिखाती है प्रेसिपिटेशन, यानी कितनी बारिश हो रही है साल भर में, और यहाँ पे एनुअल मीन टेम्परेचर है, टेम्परेचर वहाँ पे कितना रहता है। तो पहले हम लोग देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में अगर जो हम देखें, तो यहाँ पे हम देखें इसका जो मिनिमम है वो 150 के आसपास है, और जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो 400 से थोड़ा सा ऊपर है। तो यहाँ पे रेनफॉल जो है 150 सेंटीमीटर से लेकर के 400 सेंटीमीटर तक यहाँ पे रेनफॉल होती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 20 to 25 के बीच में आपकी आएगी। तो एनुअल टेम्परेचर जो है वो 20 से 25 के बीच होगी, और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन जो होगा वो 150 से लेकर के 400 तक यहाँ पे पाया जाएगा। तो ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला रीजन है। उसके बाद हम आते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट में हमने देखा क्या कि वहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो आपका रेनफॉल है वो लगभग आ जा रहा है 200 200, और जो मिनिमम जो आपका रेनफॉल है वो 50, यानी 50 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होगा, और इसका जो आपका टेम्परेचर है एनुअल टेम्परेचर वो 10 से लेकर के 20 के बीच में यहाँ पे टेम्परेचर होगा। तो ये टेम्परेट फॉरेस्ट होंगे, जबकि कोनीफेरस फॉरेस्ट में जो आपका आएगा, तो यहाँ पे आप देखिए कोनीफेरस फॉरेस्ट यहाँ पे निगेटिव में भी जा रहा है, ये बात याद रखिएगा, निगेटिव में टेम्परेचर जा रहा है। देखिए ये टेम्परेचर निगेटिव में, और यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो आपका आ जा रहा है लगभग 12 के आसपास, और ये टेम्परेचर है यानी निगेटिव, यानी -2 से लेकर के आपका 12 तक यहाँ पे ये टेम्परेचर वेरी कर रहा है। जबकि एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें तो वो 50 से लेकर के ये आपका 250 के बीच में आएगा। इसी तरह से हम इस फिगर के माध्यम से हम अलग अलग जगहों का सब देख सकते हैं कि उसका रेनफॉल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, उसका एनुअल मीन टेम्परेचर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। तो ये चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि डिजर्ट में फिर से हम देख लें, यहाँ पे डिजर्ट जो है, ये आपका डिजर्ट जो है वो कहाँ, इसमें जो टेम्परेचर है वो देखिए आपका यहाँ पे 23 के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है, और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 5 है, और रेनफॉल रेनफॉल आपका 20 के आसपास ही है, 20 के नीचे, 20 सेंटीमीटर के नीचे ही रेनफॉल हो रहा है, और उसके बाद में यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हाई है टेम्परेचर। उसी तरह से ग्रासलैंड का देख लीजिए, ग्रासलैंड में टेम्परेचर जो है 25, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 2 से लेकर के 25 तक है, और रेनफॉल जो है आपका 100 सेंटीमीटर तक पाया जा रहा है, यानी 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में पाया जा रहा है। तो आर्कटिक और एंटार्कटिक में देखिए ये पूरा का पूरा रीजन जो है आपका 0 डिग्री तक ही पहुंच रहा है, 0 डिग्री से नीचे आपका यहाँ पे
जो एनुअल मीन टेम्परेचर है वो पाया जाएगा, और जबकि रेनफॉल जो है वो मैक्सिमम आपका जो है 110 के आसपास है यहाँ पे। तो इससे हम लोग ये चीज़ें जो है डेसिफर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या किस रीजन में क्या क्या जो है रेन आपका एनुअल प्रेसिपिटेशन है और एनुअल मीन टेम्परेचर किस रीजन का कितना है। ये हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका फोटो जो है आ रहा है कि ये फोटो आपका उसमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में आपका दिया हुआ है। पहला जो ये फोटो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का फोटो है। यहाँ पे देखिए बहुत लंबे लंबे प्लांट हो रहे हैं, यहाँ पे लगभग 30 से 40 40 मीटर तक के प्लांट आपको पाए जाएंगे। दूसरा है डेसिडुअस फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब इनकी पत्तियाँ साल भर में एक बार समर में गिरती ही गिरती हैं। तीसरा आपका जो है वो डेजर्ट का है, देखिए छोटे छोटे घास के पौधे यहाँ पे आपको मिलेंगे, रेगिस्तान वाला जो इलाका है वो मिलेगा, कुछ जो है श्रब्स मिलेंगे और थोड़े बहुत प्लांट्स आपको मिल सकते हैं। जबकि सी कोस्ट यानी कोस्टल रीजन का जो एरिया है ये मार्सी प्लेसेस पे जो है इस तरह का वेजिटेशन हमको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर जो हम देखें तो अब हम आते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है, कोई भी इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो उसमें मेनली दो कंपोनेंट होता है, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब है कि जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब है कि जिसमें लिविंग जो है ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। तो एबायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनको फर्दर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फिजिकल एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा है आपका केमिकल एबायोटिक कंपोनेंट। तो फिजिकल एबायोटिक कंपोनेंट में इसमें आएंगे आपके टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, सॉयल, ये आपके हो जाएंगे फिजिकल एबायोटिक कंपोनेंट। जबकि जो केमिकल एबायोटिक कंपोनेंट है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपके कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आएंगी। जबकि ऑर्गेनिक में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ये सारी चीज़ें आएंगी। बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन से आएंगे भाई, बायोटिक कंपोनेंट को फर्दर जो है वो दो में डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो कि अपनी अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जिसे ग्रीन प्लांट्स हैं, तो इन्हें हम प्रोड्यूसर कहेंगे। कंज्यूमर जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं उन्हें हम कंज्यूमर कहेंगे, यानी भोजन के लिए दूसरे के ऊपर अगर डिपेंड है, किसी दूसरे के ऊपर, या तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है या प्रोड्यूसर को खाने वाले के ऊपर डिपेंड है, तो उनको भी हम कंज्यूमर कहेंगे। डीकम्पोजर इन जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के डेड होने के बाद में इनके जो ऑर्गेनिक पार्ट है इनको डीकम्पोज करके फिर से एक साइकिल में इस धरती पे जो है फिर से एक साइकिल में रिसाइकिल करना ही जो करते हैं उन्हें हम डिकम्पोजर कहते हैं। इसमें बेसिकली माइक्रोब यानी बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे एबायोटिक फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। तो सबसे पहला जो है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो है वो आपका सबसे की एलिमेंट है जो कहीं के वेजिटेशन को जो डिटरमाइन करता है। उसके बाद है वाटर, लाइट और सॉयल, ये बायोटिक फैक्टर में ये सारी चीज़ें हैं। तो आज तक आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक है, और इसके बाद हम लोग कल जो है एबायोटिक फैक्टर को डिटेल में समझेंगे। वाटर और टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉयल को हम अलग अलग जो है डिटेल में समझेंगे अगले लेक्चर में। तो आज तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं।